हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। और जैसा कि आपको पता है, इस सेमेस्टर से हम काफी सारा सिलेबस अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल पेलियोबॉटनी से रिलेटेड टॉपिक फॉसिल्स का, वो सब मैं वो अपलोड कर चुका हूँ। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड टॉपिक जैसे साइकस, स्पाइनस, इफेड्रा, इनके कुछ पार्ट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ और कुछ पार्ट्स रह गए हैं जो कि मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा हम टेरिडोफाइटा के अंदर काफी सारे टॉपिक जैसे जनरल करेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, मार्सिलिया के बारे में कई सारे टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल को भी डिस्कस कर चुके हैं, हेट्रोस्पोरी को भी जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएससी और एमएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी सारा सिलेबस जो है इस सेमेस्टर से मैं कवर कर चुका हूँ। बचे भी कुछ टॉपिक जो कि मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे लाइकोपोडियम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे लाइकोपोडियम का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, लाइकोपोडियम की प्लांट बॉडी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, ये सारा पॉइंट कवर होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है और इसमें प्लांट बॉडी किस तरह की होती है, अगर वो यहाँ पर स्पोरोफिटिक होती है या थैलोइड होती है, अगर स्पोरोफिटिक होती है तो उसमें लीफ, स्टेम, रूट उसमें किस तरह से प्रेजेंट होता है, लीफ किस का अरेंजमेंट किस तरीके से है। फिर उसमें हम देखेंगे इसमें इंटरनल मॉर्फोलॉजी में इसकी अगर हम एनाटॉमी देखेंगे तो स्टेम, लीफ एंड रूट, इन तीनों की एनाटॉमी को देखेंगे। लाइकोपोडियम के ऊपर कुछ सालों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का स्टेम का सेक्शन काट करके वहां पर उसके जो स्टीलर सिस्टम होता है, लाइकोपोडियम के अंदर प्रोटोस्टील पाया जाता है, तो इसके अलग अलग स्पीसीज में जैसे कि आपको मैंने स्टीलर सिस्टम में अपलोड कर चुका हूँ, टेरिडोफाइटा के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया कि जो प्रोटोस्टील होता है वो फोर टाइप का होता है, जिसके अंदर एक्टिनोस्टील, हैप्लोस्टील, मिक्सिड प्रोटोस्टील, ठीक है, ये मतलब चार टाइप के यहाँ पर प्रोटोस्टील पाए जाते हैं और वो चारों प्रोटोस्टील लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीसीज में पाया जाता है, जिसमें जाइलम जो होता है वो फ्लोएम से सराउंडेड रहता है। तो उसमें कई में एक्टिनोस्टील पाया जाएगा लाइकोपोडियम की अलग स्टेम की, जब आप सेक्शन काटते हैं तो किसी में एक्टिनोस्टील पाया जाता है, किसी में मिक्सिड प्रोटोस्टील पाया जाता है, किसी में हैप्लोस्टील पाया जाता है, तो ये किसी में प्लेक्टोस्टील पाया जाता है जिसमें जो जाइलम होता है वो अल्टरनेटली प्लेट के रूप में अरेंज रहते हैं। तो ये सारा जो टॉपिक है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि लाइकोपोडियम की वहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस वीडियो के अंदर आपका कवर हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप इसी वीडियो के अंदर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में, हालांकि मैं कुछ टॉपिक रिप्रोडक्शन का, जैसे कि रिप्रोडक्शन के अंदर हम स्ट्रोबिलस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है, जैसे कि आपको पता है टेरिडोफाइटा का जनरल फीचर्स में मैंने आपको बताया कि इसमें जो यहाँ पर जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन में, इन दोनों जनरेशन में या दोनों फेज में N2N, दैट मींस हैप्लोइड टू डिप्लोइड एक तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो स्पोरोफिटिक फेज को हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट होगा गैमेटोफिटिक फेज, तो उसको हम वहां पर रिप्रोडक्शन के अंदर पूरा कवर करेंगे। तो इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल एक तरीके से लाइकोपोडियम की हम कवर कर देंगे इन दो पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि मैं क्या कवर करूंगा और सबसे पहले हम इसका करते हैं इंट्रोडक्शन। लाइकोपोडियम जो होता है वो लाइकोप्सिडा के अंदर आता है, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, इनको हम क्लब मॉसेस भी बोलते हैं, करेक्ट। और इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर आप लाइकोपोडियम के डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लगभग इसकी 200 स्पीसीज है जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, 200 स्पीसीज है जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रॉपिक रीजन में पाए जाते हैं, कुछ टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, सैडी और मॉइस्चर अवेलेबल हो जहां पर, ठीक। और इंडिया में लगभग इसकी 13 स्पीसीज पाई जाती है, और इंडिया में जैसे कि कश्मीर, ठीक है, कश्मीर, नीलगिरी या दार्जिलिंग, ऐसी जगह पर जहां पर सैडी और मॉइस्चर मतलब कि अवेलेबल हो, ऐसी जगह पर ये ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, करेक्ट। और इसकी कुछ स्पीसीज मैं आपको बता देता हूं, और ये कश्मीर ही और दार्जिलिंग और या फिर नंबर थर्ड है नीलगिरी, ऐसी जगह पर जो पहाड़ियां होती हैं, हिल्स जो होती हैं, ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं। कुछ स्पीसीज यहाँ पर जैसे कि लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सिरिटम, और भी दो यहाँ पर लाइकोपोडियम हर्मेटोनिया या फिर लाइकोपोडियम पेलिगमेरिया, ये फाइव स्पीसीज है जो कि ज्यादातर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट।
तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लाइकोपोडियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसकी प्लांट बॉडी कैसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया अपने जनरल करेक्टर्स आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइट प्लांट का, क्योंकि टेरिडोफाइट प्लांट विद जो लाइकोपोडियम है ये एक टेरिडोफाइट प्लांट है, दैट मींस इसकी बॉडी भी स्पोरोफिटिक होती है, मतलब स्पोर बियरिंग होते हैं। ठीक है, इसमें जो है स्पोर प्रेजेंट होता है और ये ट्रू लीफ स्टेम एंड रूट्स में डिवाइड होते हैं। अब हम देखेंगे इसकी लीफ किस तरह से होती है, तो इसमें सेसाइल लीफ पाई जाती है। सेसाइल लीफ मतलब इसमें पिटियोल अब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे स्टेम पर ये डायरेक्टली किसी पिटियोल के अब्सेंट होने का मतलब ये है कि जैसे ये स्टेम है और इस स्टेम पर जैसे ये सबसे पहले कुछ लीव्स ऐसी होती है जो पिटियोल की हेल्प से अटैच रहती हैं, बट ये जो है विदाउट पिटियोल के ही डायरेक्टली स्टेम से अटैच रहता है। तो इस तरह की जो लीफ होती है वो सेसाइल लीफ कहलाती है। तो ये सारा हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकोपोडियम। अब हम यहाँ पर लाइकोपोडियम की एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है लाइकोपोडियम के लगभग 200 से ज्यादा स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड कर ली गई हैं। अब इनमें से सभी स्पीसीज में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी में लीफ का अरेंजमेंट हल्का सा डिफरेंस आता है, कहीं पर आप देखेंगे स्टेम में थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो इनके लीफ में भी इसके लीफ के अरेंजमेंट में भी कई सारे डिफरेंशिएशन आ जाते हैं। लेकिन हमको वो पॉइंट्स नोट करने हैं जो कि पूरे लाइकोपोडियम की जो स्पीसीज है उसमें सिमिलरिटी शो करते हैं, तब जाकर, क्योंकि लाइकोपोडियम की हम स्टडी कर रहे हैं और लाइकोपोडियम एक जेनेरा है जिसकी काफ़ी सारी स्पीसीज लगभग 200 से ज़्यादा स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस स्पीसीज में थोड़ा डिफरेंशिएशन पाया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट बॉडी लाइकोपोडियम की कैसी होती है। प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब जिसमें स्पोर बियरिंग हो। ठीक है, मतलब इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं और स्पोर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, स्पोरोफिल्स के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे स्पोरोफिल ऐसी लीफ जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्पोरोफिल्स हैं ये आपस में अरेंज्ड होकर के एग्रीगेट होकर के एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। लाइकोपोडियम को हम क्लब मोसिस भी बोलते हैं, ये मैं इसके क्लासिफिकेशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों कहते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो स्पोरोफिल्स होती हैं ऐसी पत्तियाँ या ऐसी लीफ जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होगा उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। उस स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया होते हैं और उसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो स्पोरोफिल्स हैं ये आपस में अरेंज्ड करके एग्रीगेट होकर के एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। ठीक है, अब उसके बाद देखो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ऐसी प्लांट बॉडी होती है जो कि ट्रू स्टेम लीफ एंड रूट में डिवाइड होती है और उसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होता है। तो ये स्पोरोफिटिक वर्ड काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा एल्गी, फंजाई या ब्रायोफाइटा, इनकी बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस लाइक होती है, जिसमें जड़ तना पत्ती या आप कह सकते हैं ट्रू लीफ स्टेम एंड रूट एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर वहीं पर हम टेरिडोफाइट्स के ज़्यादा डेवलप ग्रुप के अंदर जाते हैं, जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म, तो इनमें जो है प्लांट बॉडी कम्प्लीटली स्पोरोफिटिक होती है। ठीक, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ये हर्बेसियस नेचर के होते हैं, हर्बेसियस नेचर के होते हैं और पेरेनियल होते हैं, मतलब लाइकोपोडियम की जो स्पीसीज हैं वो पेरेनियल होती हैं, बहुवर्षीय जिसको बोला जाता है। एक होता है एनुअल जो एक साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, अब कुछ होते हैं बाई एनुअल जो दो साल में अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल को कई सालों तक कंप्लीट करते हैं, उनको हम पेरेनियल में आता है। ठीक है, वो सब आएगा पेरेनियल के अंदर। उसके बाद ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब स्थलीय होते हैं, वाटर में नहीं पाए जाते, इस जमीन पर ये जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं, इनमें जो है ब्रांच भी निकलती है और वो जो ब्रांच होती है वो डाइकोटोमसली ब्रांच होती है। एक ही जगह से जब दो ब्रांचेस निकलती है तो उसको हम बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच। सो आपने क्या देखा, डिफ्रेंशिएट इंटू रूट स्टेम एंड लीव्स। इन मेनी स्पीसीज क्रीपिंग राइजोम, मतलब काफ़ी सारे स्पीसीज में जो राइजोम है वो क्रीपिंग होता है, और ये जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है राइजोम जो होता है वो क्रीपिंग होता है और इसके अपर सरफेस पर, इसके आप कह सकते हैं कि इसमें दो पार्ट हैं, एक अपर पार्ट हो गया और एक लोअर पार्ट हो गया। अपर पार्ट में आप क्या देखते हैं, एरियल ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इरेक्ट ब्रांचेस या एरियल ब्रांचेस। ठीक है, और नंबर सेकंड जब आप लोअर पार्ट में देखते हैं तो एडवेंटिट्यूस रूट इसमें पाया जाता है। ठीक है, एडवेंटिट्यूस रूट होता है जो कि एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करता है। उसके बाद स्टेम को अगर आप ध्यान से देखें तो कवर्ड बाय पॉइंटेड सेसाइल। ठीक है, सेसाइल का मतलब, सेसाइल लीव्स का मतलब क्या होता है,
ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो स्टेम होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, और डेलिकेट होता है, वीक सिलिंड्रिकल होता है और इरेक्ट होता है, प्रोस्टेट होता है, ब्रांच्ड भी होता है और डाइकोटोम असली ब्रांच भी होता है। तो इसमें जो स्टेम है वो कवर्ड होता है पॉइंटेड सेसाइल लीव्स के द्वारा, पॉइंटेड सेसाइल लीव्स के द्वारा। आप सेसाइल लीव्स उसको कहते हैं जिसमें पिटियोल अब्सेंट होता है, जैसे कि आप ये जो डायग्राम देखेंगे, इन दोनों डायग्राम को आप बहुत ही ध्यान से देखें तो इसमें इस वाले लीफ को ध्यान से देखो, ये पिटियोल से, सबसे पहले ये पिटियोल से अटैच है, फिर उसके बाद ये स्टेम से अटैच है। लेकिन इस वाले लीफ को आप ध्यान से देखें तो इसमें पिटियोल अब्सेंट है, ये डायरेक्टली स्टेम से अटैच है। तो इस ऐसे ऐसे लीव्स जिसमें पिटियोल अब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेसाइल लीफ, अंडरस्टैंड। इसके अंदर पिटियोल अब्सेंट है और इसके अंदर पिटियोल प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पिटियोलेट और ये सेसाइल लीव्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लीव्स होती हैं वो स्पायरली अरेंज्ड होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पॉइंट नोट करते हैं, स्टेम जो होता है वो कवर्ड होता है पॉइंटेड लीव सेसाइल लीव से। इन मेनी स्पीसीज डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, इसका जो स्टेम होता है काफ़ी सारे स्पीसीज में, जैसे आपको बताया 200 से ज़्यादा स्पीसीज हैं और वो सभी के सभी मतलब ज़्यादातर स्पीसीज में डाइकोटोमसली ब्रांचेज शो करता है। तो इस बेस पर ये जो आपने ऊपर वाले पॉइंट नोट किए ये बिल्कुल मेन पॉइंट है, जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में अपनी तरीके से समझकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा ये आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, इन्हीं सब पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अभी आप इसके ध्यान से प्लांट बॉडी को आप ध्यान से देखें, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर क्रिपिंग राइजोम गया हुआ है, जिसके अपर सरफेस पर हम क्या देखते हैं कि इरेक्ट ब्रांच जा रही है, उठी हुई एरियल ब्रांचेस निकलती है। इन एरियल ब्रांचेस पर पेडिंकल के थ्रू जुड़ा हुआ है स्ट्रोबिलस, और स्ट्रोबिलस क्या होता है, स्पोरोफिल ग्रो। अब यहाँ पर इसमें दो तरह की लीफ पाई जाती है, सबसे पहले सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो तरह की लीफ पाई जाती है। एक लीफ होती है सिंपल लीफ, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लीफ है नीचे वाली जो लीफ है उसको हम बोलेंगे सिंपल लीफ। अब ऐसी लीफ जिसमें स्पोर प्रेजेंट होता है उस वाली लीफ को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। उन स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा अगर मैं बार बार रिपीट करता हूं, इसलिए इरिटेट मत होना। सो इनकी जो आप ध्यान से देखेंगे लीफ जो होती है वो स्पायरली अरेंज रहती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे सभी पॉइंट को नोट करते रहेंगे, इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पायरली अरेंज होती हैं, वो सेसाइल लीफ होती हैं, और इसका जो लीव है या स्टेम है वो डाइकोटोमसली ब्रांच है। इसमें जो स्टेम होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, और यहाँ पर स्पोरोफिल जो ध्यान से आप देखेंगे इसमें बियरिंग स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रेजेंट हो गए, और यहाँ पर जो लीफ होती हैं उनकी किस जगह पर स्पोर प्रेजेंट होगा, वेंट्रल सर्फेस पर, ठीक है। जो स्पोरोफिल के स्पोरेंजिया जो होती हैं वो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, और वेंट्रल सरफेस के अंदर जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोर प्रेजेंट हो गए। तो इसका जो आप क्या देखेंगे कि ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं, जो कि पेडिंकल के थ्रू अटैच रहता है स्टेम के साथ। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद हम देखते हैं इसकी अलग अलग स्पीसीज में जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये है लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल, इस स्पीसीज में आप देखेंगे तो इसमें जो लीफ है थोड़ा सा हल्का सा ओपन रहता है, बीच में दो लीफ जो होती हैं बिल्कुल आपस में क्लोज रहती हैं और एक एक लीफ जो है किनारे किनारे पर ओपन रहती हैं। ये है लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम, इसमें आप ध्यान से देखेंगे इसमें तीनों तरह की जो लीफ है आपस में अटैच रहती हैं, और इसमें देखेंगे ये है लीफ रेफरेंस, ठीक है, रिफिसेंस में देखेंगे लाइकोपोडियम रिफिसेंस के अंदर। इस स्पीसीज के अंदर ध्यान से देखें तो इसमें लीफ हल्का सा इन इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ी चौड़ी होती है लीफ, ठीक है, पत्ती ऐसे में चौड़ी है और आपस में तीनों एक तरीके से अटैच हैं। ये है लाइकोपोडियम सरनम, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है लाइकोपोडियम सरनम, और इसमें अंदर आप ध्यान से देखें तो एकदम बिल्कुल सीधा एक तरीके से यहाँ पर स्टेम निकलेगा, इस स्टेम से ये जो है लीव आपस में ओपन रहती हैं, पूरी तरीके से खुली खुली रहती है, इसमें इनकी तरह आपस में चिपकी हुई नहीं रहती, क्लोज्ड नहीं रहती है, ठीक है, इसमें जो है ओपन रहती हैं। तो और उसके बाद तो एक्सटर्नल फीचर्स में आप फटाफट यहाँ पर नोट करेंगे, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है एग्जामिनेशन पेपर में, द प्लांट बॉडी आर डेलिकेट एवरग्रीन पेरेनियल हर्ब्स और श्रब्स, मतलब जरूरी नहीं है कि हर्ब्स भी पाए जाए, कुछ मात्रा में कुछ स्पीसीज में दिखा गया श्रब्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, और विद ए वाइड रेंज इन हैबिटेट एंड हैबिटेट। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर जो स्पीसीज हैं लाइकोपोडियम की वो स्थलीय होती हैं, जमीन पर पाई जाती है, टेरेस्ट्रियल होती हैं, वाइल ए फ्यू स्पीसीज आर इपीफाइट ऑन द ट्री ट्रंक, जो ट्री होता है उसके जैसे कि आपने एक बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उस पर इपीफाइट के रूप में पाया जाता है। लाइकोपोडियम की कुछ स्पीसीज जो होती है बड़े बड़े पौधे जो होते हैं उनके ट्रंक पर जो है
इपीफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। इपीफाइट का मतलब पैरासाइटिक मत समझना, पैरासाइट अलग होता है और इपीफाइट अलग होता है। सो द टेरेस्ट्रियल स्पीसीज मे हैव इरेक्ट एक्सिस और प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग राइजोम्स विच गिव राइज टू इरेक्ट एरियल ब्रांचेस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। द प्लांट आर डिफ्रेंशिएट इंटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसमें रूट भी प्रेजेंट है जो कि एडवेंटिटस होता है। अच्छा, तो स्टेम के बारे में अगर आप थोड़ा लिखना चाहें, द स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम इज डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब जो बहुत ही ईजिली डैमेज हो जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब प्लांट बॉडी या ऐसा स्टेम जो इजली डेलीकेट इजली जो है डैमेज हो जाए, इसको हम बोलते हैं डेलिकेट, ठीक है। वीक सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकल, इट मे बी इरेक्ट प्रोस्ट्रेट, द ब्रांचिंग इज डाइकोटोमस, इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो डाइकोटोमसली होती है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एक ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल ब्रांच निकल कर आ रही है और जस्ट एक ही जगह से दो ब्रांच एकदम से डिवाइड हो जाता है वाई शेप में, तो उसको हम बोलते हैं डाइकोटोमस। अब देखते हैं रूट के बारे में, द रूट आर यूजुअली एडवेंटिटस एंड डाइकोटोमसली ब्रांच, रूट भी इसमें देख सकते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच है, एक ही जगह से देखो दो ब्रांचेस निकली गई हैं। और एक्रोपेट एंड अराइज टू एक्रोपेटल सक्सेशन, एक्रोपेटल सक्सेशन में जो रूट का जो नया पार्ट होता है वो आगे की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो सक्सेशन होता है इसको हम बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। तो ये हमने क्या पढ़ाया, यहाँ पर हमने पढ़ा है लाइकोपोडियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या इसकी आप कह सकते हैं फीचर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स। सो मेन पॉइंट यहाँ पर यही है, ये जो अगर आप मेन पॉइंट इनको नोट कर लेते हैं, ये तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जो कि आप नोट कर सकते हैं एग्जाम पेपर में कैसे एक्सप्लेन करना है। बट ये जो मेन पॉइंट है वो ऐसे स्टूडेंट जो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं एग्जाम पेपर में, तो वहाँ पर ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेन इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट करें, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए गाइज, अभी आप हेडिंग डालेंगे एनाटॉमी ऑफ लाइकोपोडियम के अंदर, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम, स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर को अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अपना सोल्ड पेपर उठाकर देखें तो पिछले कुछ ईयर से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता हुआ आ रहा है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम इन डिफरेंट स्पीसीज। लाइकोपोडियम के जो डिफरेंट स्पीसीज में जब आप उसके ट्रांसफर स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखते हैं, तो उसके अंदर जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, या फिर उसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उसके अंदर जो एंडोडर्मिस पेरिसाइकल्स के अंदर स्टीलर सिस्टम का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसमें जो स्टीलर सिस्टम जैसे कि इसके अंदर प्रोटोस्टील पाया जाता है, प्रोटोस्टील के बारे में ऑलरेडी मैं स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइटा का बता चुका हूँ कि प्रोटोस्टील वो होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम के द्वारा ढका रहता है या सराउंडेड रहता है। तो अब यहाँ पर जाइलम जो होता है इन सभी में फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड है, बट इसमें जाइलम का अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट, क्योंकि प्रोटोस्टील भी फोर टाइप का होता है, मिक्सड प्रोटोस्टील हो गया, प्लेक्टोस्टील हो जाता है, हैप्लोस्टील हो जाता है, एक्टिनोस्टील हो जाता है, तो ये चार टाइप का प्रोटोस्टील भी प्रेजेंट होता है। तो जब हम लाइकोपोडियम की डिफरेंट स्पीसीज को स्टडी करते हैं तो इसमें डिफरेंट हमको कभी किसी में प्लेक्टोस्टील दिखाई देगा, किसी में मिक्सड प्रोटोस्टील, किसी स्पीसीज में हमको एक्टिनोस्टील दिखाई देता है, तो स्टीलर सिस्टम में भी काफ़ी डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिलता है, लेकिन सभी में प्रोटोस्टील प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसी को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं, एग्जाम पेपर में आपसे यही एक्सप्लेन करना होगा, यही डायग्राम भी बनाना होगा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है लाइकोपोडियम से रिलेटेड। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो सब हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले आप इसको समझेंगे तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखो एनाटॉमी ऑफ स्टेम, अब इसको आपको जो देखने का तरीका है काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करके स्टडी करना है। जैसे नंबर फर्स्ट बाहर की तरफ इन सभी में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या प्रेजेंट है, इपीडर्मिस जो होता है वो उस, अगर हम इपीडर्मिस की बात करते हैं तो इपीडर्मिस सिंगल लेयर इस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये इपीडर्मिस सिंगल लेयर है सभी स्पीसीज में एक सिंगल लेयर इपीडर्मिस पाया जाता है जो कि क्यूटिकल का या फिर क्यूटिनाइज होता है, मतलब उसके बाहर की तरफ क्यूटिकल की एक वाल प्रेजेंट होती है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कुछ स्पीसीज में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम सरनम की हम बात करते हैं तो इसमें आपको स्टोमेटा नजर आ रहे होंगे, लाइकोपोडियम सेलेगो में भी यहां पर स्टोमेटा नजर आ रहे हैं। सो इसकी अलग अलग स्पीसीज में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्टोमेटा किसी में प्रेजेंट है तो किसी में एब्सेंट है, लेकिन इपीडर्मिस इन सभी में प्रेजेंट है जो कि क्यूटिनाइज होती है, क्यूटिकल से मतलब वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नंबर सेकेंड पर आता है कॉर्टेक्स,
कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 जोन में डिवाइड होता है। सबसे बाहर की तरफ जो होगा वो आउटर कॉर्टेक्स कहलाता है, उसके बाद जो मिडल कॉर्टेक्स, उसके बाद इनर कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसके अंदर हम देखेंगे आउटर कॉर्टेक्स में कभी आपको दिखाई देगा कि इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, तो कभी किसी स्पीसीज में आउटर कॉर्टेक्स में आपको दिखाई देगा कि इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। तो इसमें जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर सेल्स का अरेंजमेंट किसी में अलग होता है, किसी में ज़्यादातर आपको स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स ही आउटर कॉर्टेक्स में नजर आएगा। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप कॉर्टेक्स के नीचे जाते हैं तो आपको सिंगल लेयर एंडोडर्मिस दिखाई देता है, ठीक है। ये जो है सभी में प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे कुछ मल्टी लेयर या कभी किसी में बाई लेयर होता है तो किसी में मल्टी लेयर होता है, कि अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग, लाइकोपोडियम की डिफरेंट स्पीसीज में पेरिसाइकिल जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी में बाई लेयर पेरिसाइकिल है तो किसी में मल्टी लेयर पेरिसाइकिल है, ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा स्टील, जब आप पेरिसाइकिल के अंदर प्रेजेंट होता है पूरा स्टीलर सिस्टम जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें प्रोटोस्टील प्रेजेंट है, मतलब कि जाइलम जो होगा वो फ्लोएम से सराउंडेड होगा। आप स्टीलर सिस्टम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जाइलम फ्लोएम में क्या कह रहा हूँ, तो आप स्टीलर सिस्टम देख सकते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पेपर में पूछा भी जाता है स्टीलर सिस्टम के बारे में, तो आप उसको उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद देखो, अब ये जो स्टील है इसमें किसी स्पीसीज में एक्टिनोस्टील है, तो किसी स्पीसीज में प्लेक्टोस्टील है, किसी स्पीसीज में मिक्सिड प्रोटोस्टील है, तो किसी में हैप्लोस्टील है, तो ये तीनों डायग्राम आप नोट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें, अब हम सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं, ये है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, इसके अंदर प्रेजेंट है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील क्या होती है, जिसमें जो जाइलम होता है वो प्लेट के रूप में अरेंज रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे अल्टरनेटली प्लेट के रूप में अरेंज रहता है, और जो है फ्लोएम से सराउंडेड रहता है, ठीक। इसमें बाहर की तरफ आप ध्यान से देखेंगे एक लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, इपिडर्मिस, सिंगल लेयर इपिडर्मिस प्रेजेंट होता है जो कि क्यूटिनाइज होता है, क्यूटिकल से भी बना रहता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे की तरफ एक जो है क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। क्लोरेनकाइमा क्या होता है, क्लोरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जिसकी जिससे थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी हो जाता है। उसके बाद आता है आप यहाँ पर नीचे की तरफ आउटर कॉर्टेक्स, ठीक, आउटर कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद आता है मिडिल कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद आता है इनर कॉर्टेक्स, ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो है जाइलम प्रेजेंट होता है, सेंटर में मेटाजाइलम और किनारे पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे जाइलम जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको मेटाजाइलम बोलते हैं, किनारे पर जो जाइलम होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, ठीक है। और ये सभी के सभी जो है फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड रहते हैं। सेम यही केस इसमें भी है, बस हमें क्या देखना है, इसमें देखो बाहर की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसका जो आउटर कॉर्टेक्स है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ था, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो क्यूटिकल है, इसमें जो इपिडर्मिस है उस पर क्यूटिकल की वाल तो है लेकिन इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे यार डिफ्रेंशिएट हो गया, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। उसके बाद मिडिल कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस का बना हुआ है, जबकि यहाँ पर आपने देखा था आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ था, बट यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आउटर कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है और मिडिल कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, फिर पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, और इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप मिक्सिड प्रोटोस्टील देखते हैं। मिक्सिड प्रोटोस्टील किस तरह का प्रोटोस्टील होता है, जिसमें जाइलम जो होता है वो एकदम बिखरा रहता है फ्लोएम के अंदर, जहाँ से देखेंगे कुछ टुकड़ा इधर है जाइलम का, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो एक तरीके से पूरे फ्लोएम के अंदर बिखरा हुआ है, मिक्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्सिड प्रोटोस्टील, ठीक है। तो ये लाइकोपोडियम सरनम, ये लाइकोपोडियम की स्पीसीज है सरनम, जिसके अंदर मिक्सिड प्रोटोस्टील पाया जाता है, ठीक है। और नंबर थर्ड आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी वही सेम केस है कि जो सेंटर में होगा उसको हम बोलेंगे मेटाजाइलम, जो किनारे पर होगा उसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड पर आप देखेंगे लाइकोपोडियम स्लेगो, इसके अंदर हालांकि इसके अलावा और भी कई सारी स्पीसीज है जिसमें ये सारी सिमिलरिटी आती है, लेकिन हमें एक एक एग्जाम्पल देना होता है कि किस स्पीसीज में प्रेजेंट है। जैसे ये है लाइकोपोडियम स्लेगो, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, जो कि मल्टी लेयर होती है, और उसके बाद उस पेरिसाइकिल के अंदर जो जाइलम होता है वो रेडिएटिंग रिब्स में बटा होने के कारण एकदम स्टार शेप लाइक दिखाता है, जैसे आप देख सकते हैं ये भी स्टार शेप है, ठीक, जस्ट स्टार शेप स्ट्रक्चर बना लेता है जाइलम जो होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम एक्टिनोस्टील, ठीक है। तो एक्टिनोस्टील क्या है, जिसमें जाइलम जो होता है वो स्टार शेप बना लेता है, बाकी सब सेम रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर जो है बाहर की तरफ क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है इसका कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम,
और सेंटर में जो है मेटाजाइलम और किनारे की तरफ प्रोटोजाइलम। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों डायग्राम एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन करेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और नीचे की तरफ आप हो सके तो आप ये भी, अगर आपके पास समय बचा तो तब आप ये तीनों डायग्राम भी नीचे के बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी आप इसको नोट करें, ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेम की एनाटॉमी को देखने के बाद अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ एंड रूट। अब हम यहाँ पर लाइकोपोडियम के रूट और लीफ की एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये है डायग्राम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लाइकोपोडियम रूट, जिसके अंदर आप देखेंगे जो जाइलम होता है वो यू शेप में दिखाई देता है। और इसके अलावा अगर आप डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज में देखोगे तो किसी में प्लेक्टोस्टील पाया जाएगा, ठीक। इसमें यू शेप में जाइलम है और उसके अंदर प्लेक्टोस्टील का मतलब उसमें जो जाइलम होता है वो प्लेट के रूप में अरेंज रहता है अल्टरनेटली। तो और इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो आउटर कॉर्टेक्स है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, ठीक, और इनर कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। लेकिन अगर अदर स्पीसीज में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है और इनर कॉर्टेक्स जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। तो इनके सेल्स में और वैस्कुलर बंडल्स में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। स्टीलर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट अलग अलग रूट में अलग अलग हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लाइकोपोडियम रूट, जिसके अंदर अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे बाहर की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस जो होती है, ये आउटर इपिडर्मिस जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो है सिंगल लेयर होती है और यूनिसेल्युलर रूट इस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर रूट हेयर इस पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप इसको, हम इपिडर्मिस को हम इपिब्लेमा भी बोलते हैं। और जस्ट जैसे ही आप अंदर की तरफ, इसका जो आउटर कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। इसका जो हाइपोडर्मिस होगा वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। उसके बाद आता है आपका इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर प्रेजेंट होगा एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस जो होता है उसके जस्ट अंदर की तरफ आपने देखा स्टेम के अंदर पेरीसाइकल प्रेजेंट था, बट यहाँ पर पेरीसाइकल अब्सेंट होता है, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर जब जस्ट आपने, मैंने आपको बताया था इसके में स्टेम के अंदर सिंगल लेयर या मल्टी लेयर पेरीसाइकल प्रेजेंट है, बट रूट के अंदर पेरीसाइकल अब्सेंट होता है। और उसके बाद जस्ट अंदर आप देखेंगे जाइलम जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ है, लेकिन जाइलम यू शेप में दिखाई देता है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे और ये सभी पॉइंट आप यहां से भी नोट कर सकते हैं। और यदि आप लीफ के एनाटॉमी को ध्यान से देखें तो लीफ में आप देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, जब आप इसका काटते हैं तो बाहर की तरफ इसमें भी जो है क्यूटिकल का एक वाल होगी, जो इपिडर्मिस पर क्यूटिकल की लेयर होती है। और उसके बाद जस्ट आप अंदर की तरफ जाएंगे तो ये सभी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, ठीक है। इपिडर्मिस जो होती है वो अपर और लोअर, इन इसका अपर सर्फेस ये कहलाएगा, लोअर सर्फेस ये कहलाएगा, और दोनों सर्फेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये स्टोमेटा दोनों सर्फेस पर नीचे भी और ऊपर भी प्रेजेंट होता है, ये गार्ड सेल है। और अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, इसके अंदर मेसोफिल सेल्स होती हैं जिसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ये क्यूटिकल है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स का बंडल शीथ प्रेजेंट होता है। इसमें आप ध्यान से देखें तो जाइलम जो होता है वो सेंटर में होता है और फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है, ठीक। इस टाइप का जो वैस्कुलर बंडल होता है एम्फीक्राइबल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल कहलाता है, क्योंकि इसमें जो जाइलम होता है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा और फ्लोएम चारों तरफ से घिरा रहता है, ठीक है। फ्लोएम से जाइलम जो है पूरी तरीके से घिरा रहता है, इसको हम बोलते हैं एम्फीक्राइबल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। और उसके बाद आप देखेंगे ये होता है सब स्टोमेटल कैविटी, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये स्टोमेटा, जिसके किनारे किनारे पर गार्ड सेल्स, ये अबैक्सियल सरफेस और ये क्यूटिकल से चारों तरफ। और इसमें जो सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स की मेसोफिल सेल्स होती हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उस क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है जिससे फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप और ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, एपिडर्मिस जो होती है दो सर्फेस होंगे, अपर सर्फेस लोअर सर्फेस, और इन दोनों सर्फेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। मिडल कॉर्टेक्स, मिडल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको पैरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पर बनी हुई मेसोफिल सेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। इन मेसोफिल सेल्स के बीच इंट्रासेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, और मेसोफिल सेल्स के अंदर कंटेनिंग क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो ये था रूट का एनाटॉमी, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये है लीफ का एनाटॉमी। अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखो, एग्जाम पेपर में किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो देखो एग्जाम पेपर में आए तो कैसे लिखना है आपको। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि जो
लाइकोपोडियम है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन कीजिए। तब आपको जो मैंने नंबर फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था उसका जो एक्सटर्नल फीचर्स लाइकोपोडियम का, उसकी स्पीसीज से रिलेटेड या उसका किस तरह की प्लांट बॉडी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में पूछा जाए कि आप इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों दोनों मॉर्फोलॉजी को वहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है, तब आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी एक्सप्लेन करेंगे और इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी। उस कंडीशन में आप जो लाइकोपोडियम का स्टेम है उसमें से दो डायग्राम कम कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को काफ़ी आपको समझना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चन का सिलेक्शन करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा होता है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चन का सिलेक्शन किस बेस पर करता है, वो देखता है कि उसे दोनों अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो वो देखता है कि सबसे पहले कि मैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ या क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकोपोडियम का जो स्टेम है उसकी डिफरेंट एनाटोमी, मतलब उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर दीजिए स्टेम का, उस कंडीशन में आप लीफ का रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दे सकते। सिर्फ आपको स्टेम के बारे में अगर पूछा गया है तो स्टेम की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का आप वहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करना है। एग्जाम पेपर में जो आपसे पूछा जाता है आप उसी को एक्सप्लेन करें तो उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। सो इसको फटाफट नोट करें। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा। चलिए तो हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर लाइकोपोडियम के अंदर स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन, इसमें कैसे होता है। और जैसा कि आपको पता है लाइकोपोडियम की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, दैट मींस दे प्रोड्यूस स्पोर। और स्पोर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। और गाइस जैसा कि आपको याद हो को मैंने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या बताया था कि इनके जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर की तरफ जो है एक कोन की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस। उसी की वजह से इन्हें क्लब मॉसेस भी कहा जाता है, ठीक है, क्लब शेप जैसे इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब ये जो स्ट्रोबिलस होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इनमें दो तरह की लीव्स प्रेजेंट होती है, एक सिंपल लीफ होती है और एक ऐसी लीफ होती है जिनमें स्पोर प्रेजेंट हो, ठीक है, उन लीफ को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। तो ये जो स्ट्रोबिलस है वो स्पोरोफिल का एक गुच्छा है, एक बंडल है जो कि कोन लाइक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम कोन की तरह देख सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस। अच्छा, स्पोरोफिल की वेंट्रल सर्फेस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और उस स्पोरेंजिया में स्पोर प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो जब आप इसके स्ट्रोबिलस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट कर देखते हैं तब आपको ये डायग्राम निकाल कर आपको आप सबके सामने आएगा, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे ये आपके सामने स्ट्रोबिलस है, स्ट्रोबिलस में स्पोरोफिल्स हैं। स्ट्रोबिलस क्या है? स्पोरोफिल का एक गुच्छा है, ठीक है, इसके वेंट्रल सरफेस पर स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर। जब आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे तो आपको ये डायग्राम मिलेगा और इस डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ एपिकल मेरिस्टेम जो कि एपिकल जो कि ग्रोथ करती रहती है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये प्रेजेंट है इसमें देखो स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में जो आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्पोरेंजिया है और इस स्पोरेंजिया में रेड रेड कलर का जो स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम स्पोर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसी का सिर्फ एक भाग आप यहाँ पर ले लीजिए मेच्योर स्पोरेंजिया का तो ये डायग्राम आपके सामने निकल कर आएगा, ठीक। हमने क्या किया, इसका इतना पार्ट काट करके इसको यहाँ पर रख दिया ताकि हम इसको और अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएं। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्ट्रोबिलस। एग्जाम पेपर में आप इसको बना सकते हैं जब आप रिप्रोडक्शन को या डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम आ जाए तब आप उसको ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया इतना अगर आप इतना पार्ट काट करके यहाँ पर रख दें तब आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा जिसमें बाहर की तरफ वॉल ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है, इसमें लगभग थ्री लेयर होते हैं, थ्री वॉल्स होते हैं जो कि जैकेट लेयर कहलाते हैं, और बीच में सेंटर में एक जो है आप टैपिटम होता है, उस टैपिटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स, ठीक है, उस टैपिटम के अंदर हैप्लोइड हैप्लोइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमें ये देखना है कि ये जो स्पोरोफिल होता है इस पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है लाइकोपोडियम की जो स्पोरोफिल है उसकी स्पोरेंजिया, मतलब उसके स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे स्पोर और स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, तो इसी चीज़ को हमको देखना है। तो देखो कैसे, ये जो नीचे वाला जो डायग्राम है वो यही दिखाएगा। देखो जैसे कि ये आपको अभी सपोज करो कि यहाँ से मैंने ये स्पोरेंजिया को हटा दिया, ठीक है, तो अब देखो ये जो लीफ है इसके इसमें कोई ना कोई
इस लीफ पर कोई सुपरफिशियल सेल, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, जो सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना स्टार्ट करेगी, जो शुरुआत करेगी डिवीजन की, उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल सेल या स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो प्रोसीजर है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे, ये जो डायग्राम है इसमें देखो सुपरफिशियल इनिशियल सेल की तरह कोई भी एक सेल जो है एक्टिव होकर डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही जैसे वो डिवीजन करेगी इसमें सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिससे कि दो सेल्स आपको दिखाई देंगे, दो, एक अपर सेल बनेगी और लोअर सेल बनेगी। ठीक है, एक लाइन में अपर सेल और नीचे वाले लाइन में लोअर सेल। अपर सेल जो होती है वो जैकेट सेल कहलाती है, और नीचे वाले जो लोअर सेल होती है वो आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है। ठीक है, अब ये जो अपर सेल है, जैकेट सेल जो होती है, वो जैकेट लेयर चारों तरफ जो है एक तरीके से जैकेट का निर्माण करती है। आर्किस्पोरियल सेल से जो है स्पोरोजिनस सेल्स बनता है, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यूज बनता है अगर और बेहतर कहें तो। लेकिन ये सब कैसे होता है, डिवीजन, लगातार इसमें डिवीजन होता रहता है। ये है स्पोरोफिल सेल्स, देखो जैकेट लेयर का निर्माण हुआ, जैकेट फाइनली आप देखोगे थ्री लेयर ऑफ जैकेट बन जाते हैं स्पोरेंजिया के ऊपर, जो चारों तरफ वाल है उसके चारों तरफ थ्री लेयर जैकेट के बन जाते हैं, और उसके बाद जो चौथी लेयर होती है वो टैपिटम होती है। टैपिटम का फंक्शन क्या होता है, ये जो है स्पोर्स को फूड मटेरियल प्रोवाइड कराता है, करेक्ट। और ये जो स्पोर बनते हैं वो होमोस्पोर्स होते हैं, दैट मीन्स होमोस्पोरी का क्या मतलब होता है, सभी के सभी जो स्पोर हैं वो साइज में एकदम समान है, अगर डिफरेंट होते तो हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरी, जैसे कि मार्सिलिया हेट्रोस्पोरी शो करता है, एजोला हेट्रोस्पोरी शो करता है, ठीक है, और ये जो लाइकोपोडियम है ये होमोस्पोरी शो करता है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, ये स्पोरोफिल्स है, ये जैकेट है, अब यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल्स बन गया, ठीक है, ये बन चुका है अब स्पोरोजिनस सेल्स, इसके चारों तरफ है जैकेट लेयर। अब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, या सही बोले तो रिडक्शन डिवीजन, और भी अच्छा अच्छे से बोले तो रिडक्शन डिवीजन होता है और इस स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर, और जैसे ही रिडक्शन डिवीजन होगा इससे ही बनता है स्पोर मदर सेल, करेक्ट। अब ये जो स्पोर मदर सेल है ये आगे डिवीजन करके जो है बनाते हैं हैप्लोइड स्पोर्स, करेक्ट। तो ये पूरा डायग्राम आपका बनेगा डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया के अंदर, और ये स्टेप है जिसे आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है कि अगर आपसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन या कोई बाहर से कोई वाइवा लेने आए तो आपसे पूछ ले कि आप ये बताइए लाइकोपोडियम में जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो वो किस टाइप होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट, आपने पढ़ा होगा, एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट। यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि इसमें जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल जो होती है वो एक साथ जो है एक्टिव होकर डिवीजन करना स्टार्ट करती हैं। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के बेसल पार्ट से ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं, उसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि स्पोरोजिनस टिश्यूज बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज से बनता है स्पोर मदर सेल, जिसके अंदर जैसे ही रिडक्शन डिवीजन होगा हैप्लोइड स्पोर बन जाएंगे। अब ये जो स्पोर है ये क्या करते हैं, जैसे ही हैप्लोइड स्पोर बनता है तुरंत गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या होता है लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, हैप्लोइड टू डिप्लोइड, एन टू एन हैप्लोइड टू डिप्लोइड, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक इन दोनों मतलब फेज के बीच इनकी जो लाइफ साइकिल है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो सुपरफिशियल सेल है वो एक्ट एज ए प्राइमरी स्पोरेंजियम इनिशियल सेल की तरह वर्क करती है। तो फाइनली अब आई होप आप यहाँ पर इस आप समझ गए होंगे कैसे इसमें इसका डिविज कैसे यहाँ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हुआ और कैसे स्पोर्स बन गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसमें किस तरीके से धीरे धीरे एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट, ठीक है, गैमेटोफाइट में कैसे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, उस पर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कैसे बनते हैं, फिर उसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से किस तरीके से दोबारा से एक नया स्पोरोफिटिक प्लांट बनता है, ठीक है, कैसे प्लांट बॉडी दोबारा से बनती है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए बीएससी और एमएससी से रिलेटेड, केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी से रिलेटेड, सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।